డిసెంబర్ 10న సయ్యద్ వికారుద్దీన్ ఖాద్రీ చీఫ్ ఎడిటర్ రహీన్ ఉమర్ దక్కన్ మరణించారు. వీరికి కరీంనగర్లోని హుందా స్కూల్లో డిస్టిక్ హజ్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో సంతాప సభను నిర్వహించారు. ఈ సభలో ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ నుండి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నసరుల్లా ఖాన్ మరియు కరీంనగర్లో ఉన్న ప్రముఖులు పెద్దలు పాల్గొని వీరికి సంతాపం తెలిపారు మరియు వీరు చేసిన గొప్ప కార్యక్రమాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ मस्जिद के अंदर और फिर वालिद साहब उन्होंने जुमले कहे कहा मेरी बहुत कुछ तरबियत मौलाना ने की अनेक उत्तर होती थी उसमें बहुत सारी बातें थी तो वहाँ हैदराबाद गरीब फंड कायम किया उन्होंने क्योंकि वहाँ फसाद हो रहे थे जैसा कि हुकूमत से बात करते वजन था उसकी मतदाता वहाँ से और फिर उस असना के अंदर मुझे वाक्य याद है कि वालिद मुहर्रम को कुछ चंद लोगों को हिंदुस्तान के सऊदी हुकूमत की तरफ से हजरत औकाफ की तरफ से मेहमान बुलाया गया था हज के लिए तो इत्तेफाक से जो है तीन दिन के अंदर दिल्ली में जो है उनको रिपोर्ट करना वालिद साहब निकाले पासपोर्ट देखा तो क्या है तो रिन्यूअल तीन साल पहले दो तीन साल पहले पेपर की एक दुनिया से हटकर मुसलमानों को जुमला तंजीमों को एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर जमा करना वो सहरा आदि के नजर जाता है. मुस्लिम मुत्तहिदा महाज कायम कर कर जिसमें मौलाना हमीदुद्दीन आकिल साहब मौलाना सुलेमान सिकंदर साहब रहीम साहब और कई लोग थे. आपकी बड़ी गाड़ी सफारी हुआ करती थी खाने वगैरह का इंतजाम भी उसमें उलमाओं को कोई तकलीफ बल्कि हैदराबाद में एक पूरे जमातों को अगर एक जगह बिठा कर कोई मसले मसाइल पर इशू पे बात करना है तो आप सबको लेके करते थे. वक्त का सीएम भी जब चंद्रबाबू नायडू भी महाज से मशवरा करता था हम ये करना चाह रहे हैं फिर आपकी क्या राय है. वही एस राजशेखर रेड्डी के पीरियड में भी हुआ करता लेकिन अफसोस की बात है कि महाज को फिर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में फोरम में तब्दील कर कर और जबकि उसके खास तौर पे अगराज व महाज में लिखा गया कि इसमें कोई सियासी ओहदे पे नहीं रहना चाहिए तो वहाँ पे रहीम साहब को लेकर फिर वो यूनाइटेड मुस्लिम फोरम भी आपको जो सब बेकार पर इनके जब तक महाज में आपकी शिरकत थी बड़े बड़े अहम कामों से जो सो